गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। कोरोना पीड़ित मां को कंधे पर उठाकर अकेले दाह संस्कार करने निकल पड़ा बेटा। बिना पीपीई किट के बेटे ने करवाया मां का अंतिम संस्कार, प्रशासन पर उठे सवाल। सिविल अस्पताल जवाली में लिए गए 52 थ्रोट सैंपल, रैपिड टेस्ट में 14 पॉजिटिव। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। कलानगरी में कोरोना का असर, लोग घरों में बंद। अरब समाचार विस्तार से। कोरोना इस कदर इंसान को बेबस कर देगा ये कभी सोचा नहीं था। रानीताल से 1 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भंगवार में इंसानियत को शर्मसार करने का एक वाकया पेश आया, जहां एक लड़के को अपनी कोरोना संक्रमित मां को अंतिम संस्कार के लिए 4 कंधों का सहारा न मिल पाने के कारण खुद कंधे पर उठाकर शमशान घाट पहुंचाना पड़ा। जानकारी के अनुसार वीर सिंह की माता निर्मला देवी की कोरोना के चलते मृत्यु हो गई, लेकिन जब उनको शमशान घाट ले जाने की बात आई तो ना तो कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, ना ही कोई पंचायत प्रतिनिधि आगे आया, जिसके चलते मृतक के बेटे को अपनी मां को कंधे पर उठाकर ले जाने के सिवा कोई चारा नजर नहीं आया। बहरहाल इस तरह के हादसे से साफ जाहिर होता है कि कोरोना ने लोगों को कितना बेबस कर दिया है। कांगड़ा जिला में स्थानीय प्रशासन चरमराया नजर आ रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए कि कोरोना संक्रमित के संस्कार के लिए प्रशासन 4 ढंग की पीपीई किट तक नहीं दे पाया, जिसके चलते एक युवक ने बिना पीपीई किट के ही शव को चौथा कंधा दिया और बिना पीपीई किट के ही शव का अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें कि यह मामला देहरा विधानसभा की गुलेर पंचायत का है, जहां एक 50 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया और उसके बेटे ने बिना पीपीई किट पहने उसका अंतिम संस्कार किया। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय कोटिया हिम कृषि ट्रेडर्स गगल। कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़ने से हर कोई जवाली उपमंडल में सहमा हुआ नजर आ रहा है। सिविल अस्पताल में 52 लोगों के थ्रोट सैंपल लिए गए, वहीं 44 लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट लिए गए। बता दें कि इन रैपिड टेस्ट में 14 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। एसएमओ जवाली डॉक्टर अमन दुबे ने बताया कि सिविल अस्पताल जवाली में मंगलवार को 52 लोगों के थ्रोट सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें टेस्ट के लिए टाना मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जिनकी रिपोर्ट शुक्रवार शाम तक आने की उम्मीद है। कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़ने से हर कोई जवाली उपमंडल में सहमा हुआ नजर आ रहा है। सिविल अस्पताल में 52 लोगों के थ्रोट सैंपल लिए गए, वहीं 44 लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट लिए गए। बता दें कि इन रैपिड टेस्ट में 14 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। एसएमओ जवाली डॉक्टर अमन दुबे ने बताया कि सिविल अस्पताल जवाली में मंगलवार को 52 लोगों के थ्रोट सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें टेस्ट के लिए टाना मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जिनकी रिपोर्ट शुक्रवार शाम तक आने की उम्मीद है। कोरोना कर्फ्यू के चलते कलानगरी अंद्रेटा में उसका असर देखने को मिला है। आजकल कलानगरी सुनसान नजर आती है, जहां विश्वविख्यात चित्रकार शोभा सिंह के आर्ट गैलरी में पर्यटकों का जमावड़ा नजर आता था, आज कोरोना काल में सुनसान नजर आया। हालांकि उक्त आर्ट गैलरी को पहले से कोरोना के चलते बंद कर दिया गया था। सरकार के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक वस्तुओं की दुकानें 8 से 11 बजे तक खुली नजर आई। उसके बाद स्थानीय जनता ने कोरोना कर्फ्यू का पालन करते हुए सब बंद रखा व लोग घरों में ही रहे। कोरोना चेन को तोड़ने के मकसद से प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया, जिसका पंचरुखी क्षेत्र के आसपास असर देखने को मिला।